होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी तक अपनी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हमने मुराल पेंटिंग्स को देखा। मुराल पेंटिंग्स बहुत बड़ी पेंटिंग्स हैं जो कि वॉल पर बनाई जाती हैं। आज एंड ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स को, जो कि जस्ट लाइक अपोजिट हैं वॉल पेंटिंग्स या मुराल पेंटिंग्स के, क्योंकि ये बहुत ही छोटी पेंटिंग्स हैं। आप ये मान लीजिए पोस्ट कार्ड के साइज के पेपर पर ये पेंटिंग्स की जाती हैं। इतनी छोटी पेंटिंग्स में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सीन्स को दिखाया गया है, चित्रों को दिखाया गया है। तो इस सीरीज में पहले हम देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स के कॉमन फीचर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, जिसमें पाल स्कूल, अपरहम्स स्कूल दो स्कूल ऑफ आर्ट हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, जो कि वर्ल्ड में मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स का दर्जा जिन्हें दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे रीजनल स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थानी स्कूल, आपका पहाड़ी स्कूल और इस तरीके से और भी रीजनल स्कूल्स को। तो आइए देखते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया। ये देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट से लिया है इसको, जिसमें कृष्ण की रासलीला के एक दृश्य को दिखाया गया है। हम इस पूरे स्कूल के बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिनिएचर पेंटिंग है क्या है? वर्ड मिनिएचर बिल्कुल सिनोनिम टाइप का लगता है मिनिमम से, बट नहीं, ये वर्ड लिया गया है वर्ड मिनियम। मीनियम का मीनिंग होता है, मीनियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रेड लेड पेंट। इस पेंट से इल्यूमिनेशन जो है ऐसा लगता है कि पेंटिंग इल्यूमिनेटेड है। उसको रेनेजा पीरियड में यूरोपियन बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में, इसके साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो पेंटिंग ड्रॉ की गई थी, वो रेड लेड पेंट से जो पेंटिंग्स ड्रॉ की गई थी रेनेजा पीरियड में, उन पेंटिंग्स की को मिनियम की वजह से मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले कहा गया। तो इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग्स हालांकि साइज और शेप में बहुत छोटी हैं, मिनिमम वर्ड से सिनोनिम रखती हैं, बट इसका जो ओरिजिन है वो वर्ड मिनियम से है, जिसका मीनिंग होता है रेड लेड पेंट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट से। किसी भी पेंटिंग को मिनिएचर होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि उसका साइज 25 स्क्वायर्स ऑफ इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 5x5। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि पोस्ट कार्ड का साइज कितना होता है? तो जिनको जानकारी नहीं है मैं उनको बता दूं, ये 5x3.5 स्क्वायर हाफ इंच होता है। तो आप ये मान लीजिए मोटा मोटा पोस्ट कार्ड साइज की ही ये पेंटिंग्स हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें जो सब्जेक्ट दिखाए गए हैं उसका जो साइज है वो 1/6 ऑफ द एक्चुअल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी साइज को बहुत ही छोटे रूप में दिखाया गया है। मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि ह्यूमन फिगर्स को साइड प्रोफाइल में दिखाया गया है। देखिए, ह्यूमन फेस को फ्रंट साइड से दिखाने की जो टेक्निक थी वो बहुत ही लेट एंटर हुई है, बेसिकली यूरोपियंस के संग। राजा रवि वर्मा ने भी इसको फ्रंट फेस को पेंट किया है, लेकिन उससे पहले टिल मुगल पीरियड जो है फेसेस साइड प्रोफाइल में ही पेंट किए गए हैं। इसके अलावा बल्जिंग आईज हैं, प्रोमिनेंट नोज, पॉइंटेड नोज और स्लिम वेस्ट। कलर्स जो हैं उनका भी चुनाव बड़ा ही सिंबॉलिक किया गया है, लाइक लॉर्ड कृष्णा इसमें डिपिक्टेड एज ए ब्लू कलर। वुमन फिगर्स जो हैं उनमें लंबे बाल दिखाई देते हैं, लॉन्ग हेयर्स दिखाई देते हैं जनरली। और जनरली जो मैन की फिगर्स हैं उनको टर्बन पहना के और लोकल ट्रेडिशनल अटायर में शो किया गया है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में नेचर को दिखाया गया है, एनिमल्स को दिखाया गया है। एक तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट पेंटिंग्स हैं, जो कि अपने कुछ यूनिक फीचर्स रखती हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स की थीम क्या रही है? तो मुगल पेंटिंग्स में यदि मिनिएचर पेंटिंग्स को देखें तो उनमें एरिस्टोक्रेटिक डिपिक्शन है, किंग को ग्लोरीफाई करने का प्रयास है,
नेचुरलिज्म को भी दिखाया गया है, बर्ड्स एनिमल्स को पेंट किया गया है, सेक्युलर थीम है यानी ट्रेडिशनल जो है आपके ट्रेडिशनल कल्चर और उन सबको नहीं दिखाती है। किंग और कोर्ट के सीन है, कोर्ट सीन्स यानी राजा किसी को रिसीव कर रहे हैं या आपका मैरिज का फंक्शन है या किसी प्रिंस का बर्थ है, तो इस तरीके की सीन्स को इसमें दिखाया गया है। हिंदू मिनिएचर्स जो है वो अपनी जो थीम है उनकी वो स्पिरिचुअलिस्टिक थीम है, सीन रामायण के, महाभारत के, कृष्णा की लाइफ के इनमें दिखाए गए हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स यूज कहां होती थी, तो एक शब्द में या एक लाइन में मैं कहूं तो मिनिएचर पेंटिंग्स किताबों में जान डाल देती थी। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी जो किताबें हाथ से लिखी जाती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में टेक्स्ट के साथ साथ उस टेक्स्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स उसके साथ में ड्रॉ की जाती थी। इसके अलावा कोर्ट मेमोरीज को यूज करने के लिए भी मिनिएचर पेंटिंग्स यूज की गई। स्पिरिचुअलिस्टिक और रिलीजियस पर्पज में ये पेंटिंग्स रिलीजियस ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के लिए यूज की गई। तो इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग्स के कई स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं, जिनमें अर्ली मिनिएचर्स हैं जो कि मुगल टाइम से पहले के हैं, इसीलिए पाल स्कूल और अपभ्रंश स्कूल ये इंडियन ओरिजिन मिनिएचर आर्ट है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मुगल स्कूल जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डेक्कन स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मैसूर स्कूल, तंजौर स्कूल। तो इन सभी स्कूल्स ऑफ आर्ट को मिनिएचर पेंटिंग्स में हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, इसी क्रम में डिस्कस करेंगे, इसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। आई एम थैंकफुल टू ऑफिसर्स क्लासेस हु हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस आर्ट एंड कल्चर सीरीज। आई होप दिस सीरीज विल बेनिफिट यू। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग है, कथक को डिपिक्ट करती है मुगल कोर्ट में, और इसके चारों तरफ बॉर्डर भी बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व आउट किया गया है, आप देख सकते हैं इस चीज को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।